अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं गाइस? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक का लाख लाख एहसान है। तो गाइस, हमारे पास जो है ना, कल भी बारिश आई थी और अभी भी बारिश का मौसम बना हुआ है, फुल टाइट ज़बरदस्त। अभी हल्की हल्की बूंदाबांदी आ रही है, अभी भी हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है हमारे पास। और हम लोग आए हुए हैं अपने खेतों में, यहाँ पर जानवरों के लिए घास लेने के लिए। ये बस्ती है हमारी, आबादी है छोटी सी, और अभी हम लोग जो है ना घास लेने के लिए आए हैं। तो यहाँ पे जो है ना, हमारे घास में सारा पानी खड़ा हुआ है इस वक्त। अब सोच रहे हैं कि यहाँ घास की कटाई कैसे करें हम लोग। हाय हाय, क्या बनेगा तेरा कालिया। तो गाइस, ये मेरा भतीजा जो है ना घास काटने के लिए गया है, पर जो है ना घास की कटाई नहीं हो सकी, जिसकी वजह से जो है ना ये फिर उसे छोड़ के वापस आ गया। तो अभी घास काटने का हमारा प्रोग्राम हो गया कैंसिल। तो अभी जाते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है, कहीं और किसी जगह पे देखते हैं। ये सामने जो है ना गाइस, जानवर जो है ना चर रहे हैं बारिश में। ये सामने जो है ना जानवर हैं। तो गाइस, वहाँ पे हमारा जो है ना घास कैंसिल हो गया था। तो अभी हम लोग एक दूसरी जगह पे आए हुए हैं। यहाँ पे हमने जो है ना घास एक रिश्तेदार से मांगा है, तो उन्होंने कहा कि चलो जी हमारी ज़मीनें से जो है ना आप घास काट लें। तो अभी ये भतीजा मेरा जो है ना घास काट रहा है, ज्वार का घास काट रहा है ये, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये ज्वार का घास जो है ना, ये बारिश और आंधी की वजह से जो है ना ये गिरा हुआ। तो ये जो है ना अभी माशाल्लाह खेत ये खाली हो चुके हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही कमाल माशाल्लाह व्यू है। हल्की हल्की बूंदाबांदी लगी हुई है हमारे पास, बारिश हो रही है हमारे पास, हल्की हल्की बूंदाबांदी। ये मेरे साथ मेरा कज़न, मेरा भाई मोहम्मद उस्मान, ये भी हमारे साथ आया हुआ है। और घास की कटाई जो है ना हम लोगों ने शुरू कर रखी है। वो सामने देखें, वहाँ पे बैलगाड़ी जा रही है, ये देखें। मौसम बड़ा सुहाना सुहाना बना हुआ है गाइस, बहुत प्यारा मौसम, इंजॉय करने वाला मौसम। असल में मैं अपने बड़े भाई के घर आया हुआ हूँ, और ये मेरे बड़े भाई के बेटे हैं, ये भी बड़े भाई का बड़ा बेटा है, और एक उधर गया हुआ है, अभी आता है, उसकी भी मैं आपको वीडियो शेयर करूंगा। भाई ये अभी मेरे भतीजे ने घास काटना शुरू किया, तो यहाँ पे कवे जो है ना बहुत सारे इकट्ठे हो गए, क्योंकि ये घास जहाँ से कटाई कर रहा है ना, यहाँ से कीड़े मकोड़े निकलना शुरू हो गए। तो ये कवे जो है ना, वो कीड़े मकोड़े खाने के लिए आए हुए हैं। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह, 2, 4, 6, 8, 10, 12 कवे इकट्ठे हो चुके हैं यहाँ पर। ये आप देख सकते हैं कवे जो है ना यहाँ पे अपनी खुराक खाने के लिए आए हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। गाइस क्या हाल है? ठीक ठाक वदे वे, खुश वदे वे, फिट फाट वदे वे, राजी बाजी वदे वे। गाइस असा अज आए वदे घाह वडण। ए देखिनो साडे घाह दे विच कां ते बग ते बगोड़े ते ए हर बला इकट्ठी थई पई है। ए देखिनो सही कां जड़ा ना, इतना इतना जिवें घाह वडना शुरू किते थे ना, इतों कीड़े मकोड़े निकलने शुरू थी गए घाह चू, ते कवे जड़ा ना इतना गिरा के कीड़े मकोड़े खाते वदे। कवे इवें कटे दिखन जिमें इन्हों की मां मरी पी हो। गाइस 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 गाइस, तो मेरे भतीजे ने जो है ना अभी घास की कटाई कर ली है। तो अभी जो है ना ये कपड़े के अंदर डालने लगे घास, तो अभी ये लेके जाने हम लोगों ने घर। तो फिर इसका टोका करेंगे बिल्कुल बारीक बारीक करके ना, इसे फिर जानवरों को डालेंगे। घास इसने कटाई कर लिया है, ये देख सकते हैं कवे अभी तक भी यहीं पर ही हैं, कवे अभी तक भी नहीं गए हैं, क्योंकि अभी कीड़े मकोड़े निकल रहे हैं यहाँ से, तो ये अभी कीड़े मकोड़े खा रहे हैं कवे। तो घास की कटाई हो चुकी है हमारी, तो अभी हम जाएंगे घर, तो वहाँ पे इसका टोका करेंगे, उसके बाद जानवरों को डालेंगे। गाइस ये देखें, ये अभी जो है ना कवे जहाँ से ये कीड़े मकोड़े खा रहे थे, ये देखें, ये आपको छोटे छोटे बारीक बारीक अगर नज़र आ रहे हो कीड़े,
ये कीड़ा घूम रहा है ना यहाँ पे, ये देखें कितने कीड़े हैं, ये देखें। अभी भतीजे मेरे ने जैसे ज्वार काटनी शुरू की है ना, ऐसे यहाँ पे ये इतने सारे कीड़े जो है ना निकलना शुरू हो गए। तो अभी ये कवे जो है ना, ये कीड़े खाने के लिए यहाँ पे इकट्ठे हो चुके थे, ये आप देख सकते हैं। ये देखें कैसे फौज है, ओए होए 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 होए। ये देखें, अल्लाह पाक ने हर चीज़ के लिए कहीं ना कहीं खुराक बनाई रखी होती है। रिज्क अल्लाह पाक हर चिरंद परिंद को देता ही है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखें कितने कीड़े निकल रहे हैं यहाँ से। ये ज्वार के जो है ना तने के अंदर, मुड़ के अंदर जो है ना, इतने सारे कीड़े पड़े हुए हैं, ये देखें।